जाए कि 17 मिनिट्र अफ टेरर कहुए जो 17 मिनिट बेस गुरुत्वपूर्ण कहीं जो कथ सत्य कहले कि यही समय लैंडर मॉड्यूल सहित आर्थ कमांड सेंटर कौन से जोजग रहे ना निजे निष्पत्ति था लैंडर कहीं जो हाइट सेंसर टेक्नोलोजी व्यवहार करजे डिशीजन निजे नहीं पार लैंडर धन्यवाद सत्य तेज कि देखा कि जी समय पाखे आसू चार देखा कि सेलिब्रेसन चित्र सामना को आसू सबुठ पूजा अर्चना करोम यज्ञ कर समस्त ईश्वर निकट में प्रार्थना करुछंती निश्चित भाव में भारत को सफलता मिलू एवं समस्त भितर से उत्साह उद्दीपना रही यार भितर सबुठी सेलिब्रेशन चित्र सामना को आसी न्यायित भाव में कारण जिते भारत मून मिशन को लेकर जे समस्त भितर प्रबल उत्साह रही उद्दीपना रही किंतु आम प्रथम गोटे भिजुआल देखेबो आपनकु जे किभली भाव रे जे बीजेएम स्कूल रे जे पिला के भितर किभली भाव रे गोटे प्रबल उत्साह रही उद्दीपना रही समस्त भितर गोटे शुभेच्छार बार्ता रही यहीपाई कारण भारत चंद्रयान थ्री गोटे नुआ इतिहास जोड़ू जह्न को लेकर किए मामू कहे जह्न क्या प्रेमिका क्या प्रेमिक ए जह्न को लेकिन छोट छुआ मान बुझाते जेजेमा जेजेबापा मैंने माँ मैंने कौन रही जह्न को लेकर गीत जन्हरे जन्हरे मेघ सवारी रे जन्हा जीबू धीरे धीरे मेघ सवारी रे जन्हा जीबू धीरे धीरे पहाड़ से पाखे रूपा नईटे बाहेरे के ही जड़े चांदनी राति चंदन साथी सरी लाज सरी जाऊ राति चांदनी राति चंदन साथी सरी लाज सरी जाऊ राति बेगी बेगी तू आज न जा न जा न जा खड़ी रही जा आओ घड़ी रही जा जन्हराई जरी जागाड़ी किनी छी ला 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 तारा फुलारे घरटे करी छी से छोटो घरे तू मो साथी रे से छोटो घरे तू मो साथी रे आम देखुचे कुआर पुने आसे जह्न को लेकिन गीत लेखाई वृंदावती मूल चौला मूल गीत बोलुले कुआर पुने लास्ट प्रतिक्रिया ना कारण लास्ट गीत गोटे रही जहाँ बर्तन समस्त भितर आउ टे भर टे उत्साह भर लास्ट गीत चंदन मुझे आज भावी परिणाम।
ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। चंद्रयंत्री विश यू वेरी हैप्पी लैंडिंग। जय हिंद जय भारत। चंद्रयंत्री विश यू वेरी सॉफ्ट लैंडिंग। जय हिंद जय भारत। माय कंट्री इज गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। गुड लक चंद्रयंत्री एंड विश यू अ वेरी सॉफ्ट लैंडिंग। जय हिंद जय भारत। लक चंद्रयंत्री विश यू हैप्पी सॉफ्ट लैंडिंग। जय हिंद जय भारत। तो किभली भाव में छोट पिला जो उत्साह मत रही आप शुणुए प्रती आवण वृद्ध बनिता छोट पिला आरंभ करी समस्त भितर कि भाव में उत्साह रही है और से प्रतीक्षित मुहूर्त को धीरे धीरे पाखे आसूसी चाहिए सारा विश्व। आज संध्या 6:40 जितने सॉफ्ट लैंडिंग करापर समस्त नजर और सॉफ्ट लैंडिंग करे भारत रचिब इतिहास रचिब से ऐतिहासिक क्षण को ऐतिहासिक मुहूर्त को समस्त अपेक्षा कर सबुठी पूजार्चना भारत वर्ष से सबू मंदिर में पूजार्चना प्रवासी भारतीय मैंने पूजार्चना करश्चित भाव में भारत को सफलता मिलू जदि चंद्रपृष्ठ से जदि सॉफ्ट लैंडिंग कर चतुर्थ देश भाव में भारत परिगणित हो पूर्व अमेरिका रशिया चीन कर सारी भारत को निश्चित भाव में सफलता मिल बौद्ध चित्र आप देखुं बौद्ध बौद्ध जिले में समस्ते हनुमान चालीसा पाठ कर चंद्रयान तीन सफल अवतरण समस्ते हनुमान चालीसा पाठ कर पूजा पाठ कर सबुठ देखा मिली पूजा पाठ बौद्ध जिले में समस्ते हनुमान चालीसा पाठ कर कहीं समस्ते धीरे धीरे से समय जो पाखु समस्त भितर से उत्साह रही उत्सुक रही ये शेष 17 मिनिट गुरुत्वपूर्ण ये शेष 17 मिनिट निश्चित भाव में सफलता मिलू भारत चंद्र जय हिंदी एवं इतिहास रचु ताक समस्ते अपेक्षा कर हनुमान चालीसा पाठ कर मंदिर इतिहास रचिब भारत एथिपाई सारा विश्व एवं भारत उपर नजर रखिंट कारण चंद्रयान 3 आज सन्धार जार हो चंद्रपृष्ठ से लैंडिंग करवाक जाएँ इसरो वैज्ञानिक मानते जिते उत्कंठा देखा जाए देशवासी सेत उत्कंठा देखा जाए देश में विभिन्न स्थान में पूजा पाठ आम सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए कि भावे बौद्ध जिलार जो जगन्नाथ मंदिर रही भक्त मैंने जो रही किसवासी जो रही हनुमान चालीसा पाठ कर आबल वृद्ध वर्णिता समस्ते चाहते किभली भारत तार इतिहास रचु अंपटे किभली भारत एक निजर नाम स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध करू सारा विश्व में ताक नहीं समस्त मध्य उत्कंठा आज्ञा कौन कहे या के उत्कंठा आप रही आप चंद्रयान 3 किभली भाव ठीक भाव लैंडिंग हम आम आशा रही भारत बर्षर एटा एक मर्यादा संपर्कित जिनस तेणु भारतवासी जेहेतु विश्वास रखती पूजा उपरे एवं संकट मोचन हनुमान कलीयुगर जेहेतु समस्त भरोसा रही आम आज भरोसा रखीचु विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मण समाज तरफ जे चंद्रयान 3 कि भाव में ठीक भाव में लैंडिंग हो एवं भारत जो आशा रखी मर्यादा सारा विश्व में अतुट रखापी से मर्यादा कि भाव में ठीक भाव में रो 108 हनुमान चालीसा मध्यम आम भगवान संकट मोचन हनुमान को प्रार्थना करुचु भारत ना सारा पृथ्वी विश्व एक नंबर हो चंद्रयान 3 सफल अवतरण को कामना कर आज प्रभु संकट मोचन हनुमान मंदिर मंदिर सम्मुखें विश्व हिंदू परिषद पक्षर से हनुमान चालीसा पाठ कलु आम निश्चित भाव आशावादी रहूँ जे प्रभु संकट मोचन चंद्रयान 3 को सफल भाव अवतरण करेंगे यह आम दृढ़ हिसाब से विश्वास कर सारा विश्व अन बसी भारत जो चंद्रयान 3 को कि भाव में चंद्र पृष्ठ से ता अवतरण कर सॉफ्ट लैंडिंग कर वैज्ञानिक मैंने सफल होते अंपटे देखा गले पिला आम शुणीचे जे दुईट मामा था गोटे चंदा मामा आ गोटे निज मामू तो चंदा मामा को जाऊँ भारत या कोई सारा विश्व में उत्कंठा देखा मिली बौद्धर शाश्वत दास न्यूज 18 ओडिया। तो किभली भाव में आप देखुले उत्साह रही किभली भाव में उद्दीपना रही लोकों भितर से समय से प्रतीक्षार अंत निश्चित भाव में होगा जाऊँ संध्या 6:40 को सारा ओडिशावासी सारा भारतवासी सारा विश्व चाहिए रही है और काउंटडाउन आरंभ हो मात्र किसी समय रहा समस्त भितर देखिए कि जो भाव में उत्साह रही एथर आम वैज्ञानिक मैंने जो अक्लांत परिश्रम कर चंद्रयान 2 जो प्रकार विफलता निश्चित भाव में जो आमको लेसन मिली शिक्षा मिली आमको एथर निश्चित भाव में सफलता मिल कितु गुरुत्वपूर्ण कथ हो कि जितेबाला विश्वर
କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ବି ମୁନ୍ ମିଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଚୟନ କରିଛି 2019ରେ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଭାରତ ବାଛିଛି କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଆଉ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଋତୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ସମତୁଲ ରହିଥାଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜହ୍ନ ବିନା ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିବା ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କଦାପି ଦେଖିପାରିନଥାଉ ଆଉ ଏହି ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଭାଗ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏ ହେଉଛି 41% ଅଂଶ ଏହି ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଡାର୍କ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁନ୍ ବା ଫାର୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁନ୍ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଂଶର କାରଣ ହେଉଛି ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ରୋଟେସନ୍ ଟାଇଡାଲ୍ ଲକିଂ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାଶୁଣା ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଟାଇଡାଲ୍ ଲକିଂ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିବା ସହିତ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିକଡ଼େ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 42 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ କକ୍ଷ ଚାରିପଟରେ ଥରେ ଘୂରିବାକୁ 27 ଦିନ 7 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଚାରିକଡ଼େ ଘୂରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀଠାରୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ ଆଉ ଆମେ 41% ଅଂଶ ଦେଖିପାରିନଥାଉ ଏହି ରୋଟେସନକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଟାଇଡାଲ୍ ଲକିଂ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଇସ୍ରୋ ଏମିତି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେହି 41% ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇସ୍ରୋ ପାଇବ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ସେଠାରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ସନ୍ଧାନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବୁ 2008ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1 ଜହ୍ନରେ ପାଣିର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ବରଫ ଆକାରରେ ଏହି ପାଣି ଅଛି ସେହିପରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 2019ରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 କୁହାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ମେରୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ମହଜୁଦ ରହିଛି ଆଉ ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବା ସହିତ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ହିଲିୟମ୍ 3 ଆଇସୋଟୋପ୍ ଏହା ଜରିଆରେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପାୱାର ଫ୍ୟୁଜନ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ତିଆରି କରିପାରିବା ତେବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେହି ରିଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ରିଆକ୍ସନ୍